नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। लखीमपुर खीरी मोमदी से अश्विनी सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मोमदी खीरी में नागरिकता बिल के खिलाफ हजारों संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। एनआरसी सीएए कानून के खिलाफ जुमे शुक्रवार के दिन नमाज के बाद शांतिपूर्वक विरोध किया। जामा मस्जिद के पेश इमाम और उल हिंद के जिला अध्यक्ष मौलाना असजद सिद्दीकी के नेतृत्व में एक शांति सभा के रूप में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में जामा मस्जिद के समीप राष्ट्रपति के नाम 6 सूत्री ज्ञापन जिला अधिकारी स्वाति शुक्ला को दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार त्यागी, तहसीलदार, पुलिस टीम लगातार शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पैदल मार्च करती रही। देखिए पूरी रिपोर्ट यूथ इंडिया लाइव के साथ। हमारे यहाँ भी आती है, हम सब एक है। अगर आप पर कोई आंच आती है तो हम अपना खून पसीना बहा देंगे और हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। उसका हमको फायदा पहुंचेगा, लेकिन बस मैं ये चाहता हूं कि हम इस बात के साथ स्टूडेंट जिंदाबाद के साथ जिंदाबाद अल्लाह हमारे जिंदाबाद। अब ये मेमोरेंडम दिया जा रहा है, इनको ये रहमत दी गई, ये आके यही हम लोग वहां चल के भी दे सकते थे, लेकिन बेहतर ये हुआ कि आप एक जगह खड़े हैं। आपका मैंने वक्त दिया, मुझे उम्मीद है कि आपने ये वक्त जुमे के बाद दिया। ये एक अच्छा दिन है, अच्छी सोच लेकर यहाँ कर जाएं। अल्लाह हम सबको कामयाब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सीएपी वापस लो, सीएपी वापस लो, सीएपी वापस लो। मैं इमाम साहब से कि ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की खसूसियत है कि जब अल्लाह अज़्ज़ुवजल ने, हमारे ईश्वर, हमारे गॉड ने दुनिया में इंसानियत की शुरुआत की है तो हमारी इतिहास, हमारी तारीख ये बतलाती है कि सबसे पहले दुनिया में इंसान अगर किसी जगह आया है तो ये फख्र है मुल्क हिंदुस्तान का कि दुनिया में इंसान हजरत आदम अलैहि सलातो वस्सलाम इसी मुल्क हिंदुस्तान में आए। मैं ये कहा करता हूं कि पूरी दुनिया में इंसानियत हो न हो, क्योंकि इंसान एक अरबी का शब्द है, इसका ट्रांसलेशन हिंदी या उर्दू में किया जाए तो इसका मतलब होता है एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना, एक दूसरे की मुसीबतों को दूर करना, यही असल इंसानियत है। जब इंसान हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पहला आया तो पूरी दुनिया में उसने ये पैगाम पहुंचाया कि हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं, एक प्यारे नबी के उम्मती हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। कोई अगर मुसीबत आती है तो सब मिलजुल कर उसका साथ दें। आप हिंदू के घर में कोई पैदा हो गया, हिंदू हो गया, मुसलमान के घर में पैदा हो गया, मुसलमान हो गया, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये मुल्क अंग्रेजों के चुंगल से आजाद कराने में हम सब की कुर्बानी रही है। हम सब ने मिलकर इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाया था, हमारे हिंदू भाइयों ने भी साथ दिया था, हमारे उलमा ने भी कुर्बानियां दी थी। 51,000 से ज्यादा उलमा ने कुर्बानियां दी और ये मुल्क आजाद हुआ। और इस मुल्क का जो संविधान है, अगर देखा जाए तो दुनिया के मुल्कों में जो जमहूरी मुल्क है, इतना अच्छा, इतना खूबसूरत संविधान किसी का नहीं है कि जिस मुल्क के संविधान की दफात में इस बात को कहा गया है
और इस मुल्क के संविधान बनाने में हमारे उलमा भी शरीक थे, ये बात रखी गई है। आप आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए कि इस मुल्क में हर जिस धर्म के लोग रहेंगे उस धर्म के मानने वालों को अपने धर्म के एतबार से इबादत करने का और रहने का पूरा अधिकार और हक। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, अगर इस मुल्क पर कोई बाहर से हमला करता है, बाहर से कोई गलत निगाह उठाता है, तो याद रखें इस मुल्क के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उन निगाहों को खत्म कर देंगे, उनको अंधा कर देंगे। और ऐसी कोई ताकत जो दुनिया की इस मुल्क पर अगर लगेगी तो हम उस ताकत को नेस्त नाबूद कर देंगे। और हमें अपने मुल्क की हिफाजत करना। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पीएपी वापस ले, बस। हमारे उलमा ने इस मुल्क की हिफाजत के लिए, मिल्लत की हिफाजत के लिए जानों को कुर्बान किया। और हमारा मजहब इस्लाम ये सिखाता है कि बिरादरान वतन के साथ, हिंदू भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, अच्छा सलूक किया जाए, अमन और शांति से रहा जाए। आज से 30 साल पहले आप इस मुल्क हिंदुस्तान की तारीख देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहता, एक साथ खाना। आज कोई भी हुकूमत हो, मैं तो ये कहता हूँ कि हुकूमत में जब कोई बैठता है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क एक बाग है, एक बागीचा है जिसमें रहने वाले उसके फूल हैं। उस बागीचे का जो असल माली जिसको हमने और आपने बिठाला है, उसका काम ये है कि बागीचे का और उस बाग का कोई फूल न मुरझाए, किसी फूल में कमी ना आए, सब खुशबू दें। हम आप सब इस मुल्क के फूल हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, अपना माल कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि इस मुल्क का जो संविधान है उसमें किसी तरह का कोई तब्दीली की जाए, उसको बदला जाए। आज मुझे ये खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिटें दाखिल की गई हैं, मैंने पढ़ा है कि उन रिटों के इस बिल के खिलाफ, इस कैद के खिलाफ जो रिट दाखिल की गई है उसमें हमारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो संविधान, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, जो या नॉन मुस्लिम तंजीमें हैं, जो नॉन मुस्लिम संस्थाएं हैं, वो मुसलमानों से ज्यादा हैं। और आज दिल्ली में या लखनऊ में या जहां भी हुआ, हमारे साथ हमारे हिंदू भाई खड़े हैं। मैं अपने हिंदू भाई से ये गुजारिश करता हूँ कि याद रखिए, जब आसमान से बारिश आती है तो उससे आपके खेत में भी आती है, आपके घर में भी जाती है, हमारे यहाँ भी आती है, हम सब एक हैं। अगर आप पर कोई आंच आती है तो हम अपना खून पसीना बहा देंगे और हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई नुकसान हो। सदाई जमीयत उलमाए हैं, सिर्फ ये कहेंगे कि मोहम्मदी फतवे का नाम मोहम्मदी है और यहाँ की एक इतिहास और तारीख रहा है कि मोहम्मदी में कितनी ऐसी कोशिशें की गई कि जिसमें किसी तरह हिंदू मुस्लिम में नफरत फैल जाए, हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपने उन हिंदू भाइयों को भी और अपने भाइयों को भी कि इस तरह की सारी कोशिशों को उन्होंने नाकाम कर दिया। यहाँ खंजीर का गोश्त भी डाला गया, इसी जामे मस्जिद में दस्ती बम भी फेंका गया और कुरान भी जलाए गए। लेकिन हमारे बड़ों ने, हम सब हैं, इरान केंद्र में उभर रहा है, जो ये कर रहा है ये सिर्फ उसका काम है, जो ये कर रहा है ये उसका है। हमारे यहाँ के रहने वाले हिंदू भाई बड़ा अम्न पसंद है, बड़ी शांत से रहना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, एक दूसरे से होली में मिलते हैं, ईद में मिलते हैं। आज मैं ये मैसेज और पैगाम अपने तमाम रहने वाले हिंदू भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं कि याद रखिए, आप बिल्कुल सुकून से रहें, हम भी सुकून से रहें। अलबत्ता मुल्क का जो संविधान है
मुल्क का जो दस्तूर है इसके खिलाफ अगर वो उस दस्तूर के खिलाफ अगर कोई बात हो तो उसमें हम आपका साथ दें, आप हमारा साथ दें। बस हम सिर्फ यही चाहते हैं। याद रखिए, बाद लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया जाए। दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती, हम एक साथ रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और लोगों का ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं होगा कि हमारे दिल में नफरत हो। हमारे नबी हमको सिखा के गए, अल्लाह का फरमान है, मैंने जो हदीस पढ़ी, बात खत्म करता हूँ, कि तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। हमारे मुस्लिम भाई, हमारे हिंदू भाई, सिख और ईसाई, सब ये अल्लाह का कुंबा है, एक ईश्वर का कुंबा है, एक गॉड का कुंबा है। और प्यारे नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, अच्छा सलूक करेगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि आप बिल्कुल अमन और शांति के साथ रहें, अमन और शांति से यहाँ से जाएं। आज हमारे अधिकारियों ने हमको इस प्रोग्राम के करने की एक तरह की परमिट दी, इजाजत दी, मैं उनका दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और अपने तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरफ से डीएम साहब, कप्तान साहब, सीओ साहब और एसडीएम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पर यकीनन एक दबाव था, उसके बावजूद आपने सिर्फ ये सोचकर कि मोहम्मदी के रहने वालों के अंदर अमन और शांति है, ये कोई गलत काम नहीं करते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जिससे कोई गलत मैसेज जाए। हम ये चाहते हैं जो इनका भरोसा, इनका एतमाद और आप पर है, खुदा का वो एतमाद हमेशा हमेशा कायम रहे। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, सीएम साहिबा जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद। मैं ये जानता हूँ कि आप जब पिछले जुमे को ये प्रोग्राम वहाँ तय हुआ था, हमें मालूम है कि आप एक आवाज पर हजारों नहीं लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कर सकते हैं, लेकिन बारिश का मौसम भी आ गया, कुछ ऊपर से हमारे डीएम साहब ने भी कहा। मैं ये सोचकर कि कोई आज न इन लोगों पर आए, न हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो, हमने उस वक्त उसको मुलतवी कर दिया, लेकिन जाहिर है हमारे भी जज्बात हैं। और हिंदुस्तान का संविधान बदलने के लिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, इसीलिए ये आवाज उठाई गई है। हमारा काम आवाज को पहुंचाना है, अल्लाह का काम इसमें कामयाबी देना है। आज मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा के लिए एक अमल और कर लें, जो मैंने जामे मस्जिद में भी कहा था, नमाजों का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें, और चर अफीम गांजा शराब इस तरह की चीजों को छोड़ें और एक सही माना में इंसान बनकर रहें, तो इंशाअल्लाह हमारा ये मुआशरा भी सुलझेगा, सुधरेगा। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, इसको कोई जरूरत नहीं किसी को नाजायज सताए, कोई गलत हो और उसको वो करे, आप इनका सहयोग इस तरह दें कि आप खुद भी बचे रहें, आप खुद अल्लाह को माने, अमले साले करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं। मोहल्ले मोहल्ले में जो लोग जिम्मेदार हैं वो वहां के नौजवानों को जो गलत काम में है फंसे हुए उनको उससे रोकें। इसी तरह ये हमारा मुआशरा, ये मुल्क तरक्की करेगा और दुनिया में जो इसका नाम था वो नाम इंशाअल्लाह होगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि यहाँ से जब आप जाएं इत्मीनान और सुकून के साथ अपने घर पे जाएं। और आज का ये हमारा एहतजाज यकीनन सदाए ये बुलंद होगी और इसमें, इस एहतजाज में दिल्ली के जामे मिल्लिया की जो जाने गई हैं, यहाँ की जो जाने गई हैं, उनका खून रायगा नहीं जाएगा, उनका खून रायगा नहीं जाएगा, यकीनन उसका हमको फायदा पहुंचेगा। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि हम जज्बात के साथ स्टूडेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये मेमोरेंडम दिया जा रहा है, इनको ये जहमत दी गई, ये आके यही, हम लोग वहाँ चल के भी दे सकते थे, लेकिन बेहतर ये हुआ कि आप एक जगह खड़े हैं, आपका मैंने वक्त लिया। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वक्त जुमे के बाद दिया, ये एक अच्छा दिन है, अच्छी सोच लेकर यहाँ कर जाएं। अल्लाह हम सबको कामयाब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
खबर अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं यूथ इंडिया लाइव, ताकि खबर और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। यूथ इंडिया लाइव।